दोस्तों मुझे पता है कि आप सभी लोग में से काफी सारे लोग ट्रेन टिकट अपना वेटिंग लिस्ट में बुक करते हैं, या फिर दोस्तों कभी ना कभी आप अपना ट्रेन टिकट वेटिंग लिस्ट में बुक करते ही होंगे। तब दोस्तों काफी सारे लोगों के मन में यह डाउट्स रहता है, जो जो लोग ट्रेन टिकट अपना वेटिंग लिस्ट में बुक करते हैं, कि आखिरकार हमारा ये वेटिंग लिस्ट वेटिंग नंबर कितने नंबर तक कन्फर्म हो जाता है। तो दोस्तों आप सभी में से काफी सारे लोग मुझे नीचे वीडियो के नीचे कमेंट के जरिए पूछते हैं, तो दोस्तों मैं उनका भी रिप्लाई दे देता हूँ। और दोस्तों काफी सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करते हैं कि मेरा इतना वेटिंग नंबर है और यह कन्फर्म होने के क्या चांसेस। तो दोस्तों क्यों ना मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को खुद से बताया जाए कि आखिरकार एक्चुअली में वेटिंग टिकट कितना नंबर तक कंफर्म होता है, यह आप खुद से जान सकते हैं। बस दोस्तों आपको करना क्या है कि जैसे मैं प्रोसेस बता रहा हूं वैसे ही दोस्तों आपको यहां पर चेकआउट करना है, क्योंकि दोस्तों मैंने भी एक टिकट वेटिंग लिस्ट में बुक किया हुआ है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको लाइव भी दिखाने वाला हूं कि आखिरकार कितना वेटिंग यहां पर मेरे को बताया जा रहा है, और दोस्तों यहां पर एक्चुअल में जो बताया गया है कितना वेटिंग नंबर तक कंफर्म हो जाएगा, तो आखिरकार उसके बाद भी कंफर्म हुआ है या फिर कंफर्म नहीं हुआ है, मतलब कि दोस्तों गारंटेड अगर आप इस तरीके से। और इतना ही नहीं दोस्तों, चाहे आप ट्रेन टिकट किसी भी कंडीशन में, मतलब कि किसी भी टाइप का वेटिंग लिस्ट में बुक किए हुए हैं, आप सभी तरह का वेटिंग लिस्ट टिकट को चेकआउट कर सकते हैं। चाहे तो आप वेटिंग लिस्ट टिकट बुक किए हों GNWL का, या फिर RLWL, या फिर PQWL, या फिर TQWL, मतलब तत्काल कोटा की वेटिंग लिस्ट। चूंकि दोस्तों मैंने खुद एक तत्काल कोटा का यहाँ पर वेटिंग लिस्ट टिकट बुक किया है, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि तत्काल कोटा में वेटिंग लिस्ट 11 नंबर पे है। तब दोस्तों मैं एक ऐसा प्रोसेस से चेक किया हूँ कि मेरे को यह वेटिंग टिकट कन्फर्म होगा या फिर कन्फर्म नहीं होगा। जब मैंने चेक किया हूँ तब दोस्तों मुझे पहले पता चल गया था कि यह वेटिंग टिकट कन्फर्म होगा या फिर कन्फर्म नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं भी यह भी बताऊंगा कि आखिरकार जो मैंने वेटिंग टिकट तत्काल में 11 नंबर बुक किया है, क्या ट्रेन चार्ट बनने के बाद जैसे मैंने चेक किया उसके बाद यह वेटिंग टिकट कन्फर्म हुआ या फिर कन्फर्म नहीं हुआ, यह भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को काफी अच्छा चीज यहां पर जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक कंफर्म टिकट के नाम से एक ऐप आता है, उसको दोस्तों यहां पर इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि मैंने यहां पर कंफर्म टिकट ऐप को इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं दोस्तों यहां पर इसको ओपन करता हूं। उसके बाद दोस्तों ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर आप नीचे जाइएगा, यहां पर लिखा हुआ है PNR स्टेटस, दोस्तों PNR स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा। मैंने दोस्तों PNR नंबर कॉपी किया हुआ है, इसलिए मैं इसको पेस्ट करता हूं। पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि टिकट का सारे डिटेल्स आ चुका है। जैसा कि दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि सरंजवी एक्सप्रेस में ट्रेन टिकट बुक किया गया था 23 नवंबर को राजगीर से न्यू दिल्ली तक के लिए, यहां पर दोस्तों देख सकते हैं स्लीपर में तत्काल, और दोस्तों यहां पर तत्काल टोटल यहां पर 11 नंबर का वेटिंग था। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि 11 नंबर का वेटिंग था। अब ये दोस्तों 11 नंबर का वेटिंग ट्रेन चार्ट बन जाने के बाद कंफर्म हुआ या फिर कंफर्म नहीं हुआ, इससे पहले दोस्तों हम यह देख लेते हैं कि आखिरकार किया यह जो TQWL 11 नंबर का वेटिंग है यह कंफर्म कितना नंबर तक होगा, यह कैसे चेक कर सकते हैं, चूंकि इसी में आपको मेन पार्ट है तो यही बताने वाला हूँ। तब दोस्तों आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले सारा डिटेल्स यहाँ पर देख लेना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। दोस्तों जब आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तब दोस्तों एक ऑप्शन दिखेगा आपको WL ट्रेंड का, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं लिखा हुआ है WL ट्रेंड, तो दोस्तों आपको वहाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों वहाँ पर क्लिक करते ही आपने जिस ट्रेन में टिकट बुकिंग किया है, जहाँ से जहाँ तक के लिए टिकट बुकिंग किया है, जिस कोटा के लिए टिकट बुकिंग किया है, सेम टू सेम आपको उसी तरीके का एक्सपीरियंसेस, मतलब उसी तरीके का आपको टिकट का स्टेटस काफ़ी सारे लोग पिछले दिन उसके पहले वाला दिन, मतलब कि अगर आप मान के चलिए कि टिकट बुकिंग किए हैं 20 नवंबर को, तो उस 19 नवंबर को आखिरकार उस ट्रेन में कितना तत्काल में बुक हुआ था, कितना कंफर्म हो गया था, सारा इसमें दिया हुआ रहेगा। 18 नवंबर को भी दिया हुआ रहेगा, 19 नवंबर के, मतलब कि उससे 4-5 दिन पहले वाला जितना सारा एक्सपीरियंसेस रहा उस ट्रेन में तत्काल वेटिंग को लेकर के, जहाँ से जहाँ तक आपने बुक किया है, वो सारा चीज़ यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाता है। तो उसके बेस पर ही यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि इस ट्रेन में यहाँ से यहाँ तक के लिए इतना वेटिंग कंफर्म हो गया था, इतना बुकिंग हुआ था। तो जैसे कि यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर सरंजीवी एक्सप्रेस में मैंने बुक किया हुआ था, और फ्रॉम राजगीर से न्यू दिल्ली तक के लिए ही बता दिया गया है, और क्लास से स्लीपर में है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग कोटा अलग अलग ये चीज़ का दिखाया जाएगा, सेम ही चीज़ का दिखाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि तत्काल में मैंने 9 नंबर की यहाँ पर तत्काल में यहाँ पर 9 नंबर वेटिंग होगा, कब, 19 नवंबर को, तो ये कन्फर्म हो गया था S4 S9 में, यहाँ पर दिखा दिया गया है फाइनल स्टेटस। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 19 नवंबर को ही 20 नंबर की वेटिंग बुक की गई थी राजगीर से न्यू दिल्ली के लिए, लेकिन यहाँ पर फाइनल स्टेटस में क्या है, TQWL 7। इसका यह मतलब हुआ दोस्तों कि यह जो 20 नंबर तक का जिसका था TQWL, उसका कंफर्म नहीं हुआ था, लास्ट उसका आके अटक गया था कहाँ पे, TQWL 7 में यहाँ पर स्टॉप हो गया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 19 नवंबर का ही अगर तत्काल में 8 नंबर की वेटिंग था तो इसका भी कन्फर्म हो गया होगा, 23 नंबर का वेटिंग था तो इसका 10 नंबर में वेटिंग आके रुक गया होगा 19 नवंबर को, दोस्तों 16 था तो 4 रुक गया होगा, 11
11 था तो इसका कन्फर्म हो गया था, 21 भी वेटिंग था तो इसका यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि तत्काल में कन्फर्म हो गया था। तो दोस्तों आप अपना जितना वेटिंग है उसके हिसाब से मिला सकते हैं कि कन्फर्म होगा या फिर कन्फर्म नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि तत्काल में 11 नंबर की वेटिंग था तो यहाँ पर 18 नवंबर को कन्फर्म हो गया था। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि तत्काल में 21 नंबर का वेटिंग था तो 18 नवंबर को 21 नंबर वाला भी वेटिंग कन्फर्म हो गया था। 14 नवंबर को भी कन्फर्म हो गया था, 18 नवंबर को TQWL2 भी कन्फर्म हो गया था, तत्काल 24 भी कन्फर्म हो गया था 18 नवंबर को। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर बुकिंग स्टेटस में लिखा हुआ है जो आपका वेटिंग है वो लिखा रहेगा जितना नंबर तक लोगों ने बुक किया है, और फाइनल स्टेटस में अगर कन्फर्म दिखा रहा है इसका यह मतलब हुआ दोस्तों कि इस डेट को इतना नंबर तक का ये ट्रेड में कन्फर्म हो गया था। तो दोस्तों इसी के हिसाब से आप एक्सपीरियंसेस से ले सकते हैं कि मैंने जो टिकट वेटिंग लिस्ट में बुक किया है वह कन्फर्म होगा या फिर कन्फर्म नहीं होगा। अब दोस्तों फाइनली मैं आप सभी लोगों को यहाँ तो बता दिया कि आपको इस तरीके से चेक करना है। अब दोस्तों आप काफ़ी सारे लोगों को कहिएगा कि अच्छा मैंने जो टिकट बुकिंग किया है वो तत्काल का 11 नंबर वेटिंग है और यहाँ पर तो 11 या फिर 11 से ज़्यादा कन्फर्म हो जा रहा है तो मेरा तत्काल का 11 100% कन्फर्म हो जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यह सिर्फ और सिर्फ यह ट्रेन यह बताता है कि उससे पहले वाला दिन या फिर उससे और सभी पहले वाला दिन में इस ट्रेन में कितने लोगों ने वेट किया था वेटिंग में और कितना नंबर तक का वेटिंग कन्फर्म हो गया था, कितना नंबर तक का वेटिंग बच गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आप अगला दिन के हिसाब से आप सिर्फ और सिर्फ कंपेरिजन ही कर सकते हैं और सिर्फ आप प्रोबेबिलिटी ही चेक कर सकते हैं। आप 100% आप श्योर इससे आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसमें दिखा दिया यार कि 18-19 नवंबर को 21-11 तक की तत्काल वेटिंग कन्फर्म हो गई है तो मैंने 23 नवंबर को बुक किया हुआ था तो वो भी कन्फर्म 100% ही हो जाएगी। तो दोस्तों एक्चुअली मैं सबसे पहले दिखाता हूं कि ट्रेन चार बनने के बाद जो एक नंबर की वेटिंग था वो कन्फर्म हुआ या फिर कन्फर्म नहीं हुआ। तो दोस्तों फाइनली यहां पर देख सकते हैं कि मैंने फिर से ट्रेन चार बन जाने के बाद यहां पर PNR स्टेटस खोल चुका है। यहां पर दोस्तों जब मैंने यहां पर देख सकते हैं जो ओके किया तब दोस्तों यहां पर फाइनली देख सकते हैं कि लिखा हुआ है चार्ट प्रिपेयर्ड। और दोस्तों 23 नवंबर को जो मैंने बुकिंग किया था तत्काल में 11 नंबर की था लेकिन दोस्तों करंट स्टेटस तत्काल में एक नंबर आकर के बच गया था। मतलब कि दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि 11 नंबर में जब मैंने बुक किया था तब दोस्तों एक वेटिंग आकर के रुक चुका है, मतलब कि यह तत्काल वाला वेटिंग कंफर्म बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब आप सभी लोग यहां पर बोलिएगा कि 18-19 नवंबर को तो तत्काल 11 नंबर की वेटिंग मतलब कि क्लियर हो गई थी, फिर यह 23 नवंबर को रुक कैसे गई? तो दोस्तों यहां से भी आप सिर्फ और सिर्फ 100% पता नहीं कर सकते हैं कि आप इतना नंबर तक का वेटिंग कंफर्म हो ही जाएगा। और दोस्तों आप कहीं भी किसी से भी पता नहीं कर सकते हैं, यहां सिर्फ और सिर्फ आप एक प्रोबेबिलिटी और एक अनुमान ही लगा सकते हैं कि अच्छा इतना नंबर तक का वेटिंग इस ट्रेन में कंफर्म हो जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको रिकॉर्ड बताएगा कि पिछले दिन या फिर उससे पहले पहला वाला दिन इतना ट्रेन टिकट बुक हुआ था, इतना नंबर तक कंफर्म हो गया था और इतना बच गया था। लेकिन आप 100% कैसे यह उम्मीद रख सकते हैं कि उसके अगले दिन बाद ऐसा ही होने वाला है? हर एक दिन तो एक जैसा नहीं होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी आप पता कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहां पर प्रोबेबिलिटी अंदाजा कर लिया था कि 90% चांस है इस टिकट का तत्काल में 11 नंबर का कंफर्म होने का, लेकिन 10% तो नहीं है ना, तो 10% आखिरकार नहीं है तो वही सही हो गया कि नहीं ही हुआ। जैसे आप सभी लोगों ने देखा कि एक नंबर तत्काल में वेटिंग लिस्ट आकर के रुक गई थी। तो दोस्तों यहाँ से लेकिन हाँ एक तरीके का कह सकते हैं कि आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंसेस आप मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो यहाँ से आप लोग अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि आपका वेटिंग टिकट कन्फर्म होगा या फिर कन्फर्म नहीं होगा, कितने नंबर तक कन्फर्म होगा, आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी चेक कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पर ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।